हमारा टॉपिक था डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के अंदर जितने भी सीक्वेंस ऑफ चेंजेस आते हैं उसको डेवलपमेंट बोलते हैं, है ना। जितने भी सीक्वेंस ऑफ चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऑर्गन के अंदर, टिश्यू के अंदर, ऐसे बोल सकते हैं कि सैन इवॉल्विंग इट्स फंक्शन, जैसे कि ग्रोथ है, डिफरेंशिएशन है, मैच्योरेशन है, रिप्रोडक्शन है, सेंसेंस है, डेथ है, ये सभी क्या है, ये सभी डेवलपमेंट है। एक प्लांट जो है अपनी डेवलपमेंट स्टेजेस में पास होता है, जैसे सबसे पहले सीड जर्मिनेट होगा, देन सीडलिंग होगी, उसके बाद यूवेनाइल फेस आता है, देट मैच्योरेशन होती है, फ्लावरिंग होती है, सीड फॉर्मेशन होती है, एंड लास्ट देन सेंसेस आता है। तो ये सारा हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट ऑल्सो एज अ कन्वर्जन ऑफ वन फेस इंटू नेक्स्ट, कन्वर्शन ऑफ वन फेस इंटू नेक्स्ट ही डेवलपमेंट है। जैसे कि लीफ जो है शुरू होता है टू लीफ एक्सपेंशन, वेजिटेटिव फेस से क्या होता है फ्लावरिंग फेस आता है ना, ये क्या है कन्वर्शन ऑफ वन फेस इंटू नेक्स्ट इज ऑल्सो डेवलपमेंट। डिवेलपमेंट में इवन अकर एट सब सेलुलर लेवल, जैसे हमें सेल्स के अंदर सेल्स एक्सपोज टू सनलाइट जो करते हैं क्लोरोप्लास्ट, अपेयरेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन सेल्स एक्सपोज टू सनलाइट, डिवेलपमेंट जो है अल्टीमेटली लीड्स टू सेंसेस और आफ्टर दैट डेथ हो जाती है। डेवलपमेंट की अगर बात करें इन प्लांट्स तो ये हमेशा क्या है, हमेशा ये स्ट्रेट नहीं रहती, कुछ कई बार क्या होता है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हैं डिवेल्प होते हैं डिफरेंट फेसेस ऑफ ग्रोथ में, एज वेल एज इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट जो है कंट्रोल होती है, डेवलपमेंट को कंट्रोल किया जाता है इंट्रिंसिक मतलब जेनेटिक फैक्टर्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स के द्वारा, और एक्सट्रिंसिक फैक्टर जैसे कि लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन, इनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है डेवलपमेंट को। और प्लांट जो है वो फॉलो करते हैं डिफरेंट पाथवेज को रिस्पॉन्स करने के लिए इन्वायरमेंट का, डिफरेंट पाथवेज को प्लांट जो है वो फॉलो करते हैं फेसेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, और इस एबिलिटी को प्लास्टिसिटी बोलते हैं। जैसे कि हिट्रोफाइली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्स कपूर, इन सच प्लांट्स में क्या होता है कि लीव्स जो हैं ऑफ द यूवेनाइल प्लांट, लीव्स ऑफ द यूवेनाइल प्लांट वो उनकी शेप जो है डिफरेंट होती है फ्रॉम दोज इन मेच्योर प्लांट्स। ओके, मेच्योर प्लांट्स में अलग शेप होती है और यूवेनाइन प्लांट में अलग डिफरेंट शेप होती है। और दूसरी साइड हम देखें कि ये जो लीव्स में जो डिफरेंस है ये प्रोड्यूस्ड होता है इन एयर एंड दोस प्रोड्यूस्ड इन वाटर कप, एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द हिट्रोफाइलस डेवलपमेंट ड्यू टू इन्वायरमेंट। ओके, ये वाला पैराग्राफ एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि प्लांट जो है वो डिफरेंट पाथवेज को रिस्पॉन्स डिफरेंट पाथवेज को फॉलो करते हैं इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, और प्लांट के अंदर फेसेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, और इस एबिलिटी को हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं। जैसे आप देखें हिट्रोफाइली होती है कॉटन में, कोरिएंडर में, लार्स कपूर में, कि कॉटन, कोरिएंडर और लार्स कपूर में क्या होता है कि लीव्स जो है वो यूवेनाइन प्लांट में, जब यूवेनाइन प्लांट है, यंग प्लांट है, तब लीव्स का शेप अलग होता है, जब प्लांट जो है मेच्योर हो जाता है तब लीव्स का शेप अलग होता है, ऐसा होता है। और दूसरी साइड अगर हम देखें ऑन द अदर हैंड, डिफरेंस इन शेप्स ऑफ लीव प्रोड्यूस्ड इन एयर और दोज प्रोड्यूस्ड इन वाटर इन बटर कप ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द हिट्रोफाइलस डेवलपमेंट ड्यू टू एनवायरमेंट। तो यहाँ पे हमारा थर्ड मेन टॉपिक फिनिश होता है।